साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हूँ जो कि राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आज का ये वीडियो खास होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका भी आप लोग आंसर जरूर देना। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जाए और आपको प्राइज भी मिल सकता है, तो उसका भी आप लोग आंसर जरूर दीजिए। साथ में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरा राजस्थान जीके कवर कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेली आपको क्लासेस मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, अजमेर जिले से। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग आंसर कॉमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है, घग्गर नदी को, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आप लोग आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेगिस्तान है जो कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन बी इसका सही है, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है। सुकड़ी गुहिया नदी के किनारे पे कौन सा शहर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका सही है, सोजत, यानी ये पाली जो है पाली जिले के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राजस्थान का वह वन्य जीव अभयारण्य जहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहर है, ठीक है, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि 7 लिफ्ट नहर बनी हुई है, तो उसमें से सबसे जो लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन बी इसका सही है, कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कनाट बांध किस झील से संबंधित है, जो कि इस झील के किनारे मोती नगरी है जिसपे राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कनाट बांध है वो किस नदी पर स्थित है, और यहाँ पे जो है इस झील के किनारे एक मोती नगरी बनी हुई है जिसपे राणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका सही है, फतेह सागर झील है, और ये कौन से जिले में आता है, उदयपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मानसूनी हवाओं के जो प्रत्यावर्तन का समय होता है, किस जो है टाइम आती है वो कौन से महीने में आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानसून हवाएं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है और इसकी स्थापना किस सन के अंदर हुई थी। तो ये मुख्यालय जो कि जयपुर में है और 1984, ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, उम्मीद है आपको आंसर मालूम होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, तो आपको मेरा काम है कि आपको सारे क्वेश्चन दिखाना, तो ऑप्शन बी इसका सही है, चूरू जिला। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, राजस्थान में कौन सा समुदाय प्राचीन काल से वनों की रक्षा और धार्मिक महत्व से जो करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा धर्म है जो कि वनों की रक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, जो बिश्नोई समुदाय है जो कि वनों को बहुत महत्व देते हैं, वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही है, बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 13, किस अभ्यारण्य में टाइगर डेन पर्यटक बंगला स्थित है, ठीक है, टाइगर डेन पर्यटक बंगला कौन से अभ्यारण्य में जो है बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, श्रीस्क अभ्यारण्य में।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस स्थापित किया गया है। स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस है कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, किस जिले में किया गया है? आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही है, बाड़मेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नाली असर से आहत मुद्राएं, इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के साथ साथ 105 जो है तांबे की मुद्राएं भी मिली थी। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से रीड कर लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे आहत मुद्राएं भी मिली थी जो इंडो ग्रीक सिक्के और गुप्तकालीन चांदी के जो साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली थी। यह कहाँ पे, किस जगह पे, किस जिले में? तो सबसे पहले हम जगह की बात करते हैं, तो सांभर जगह, और ये कौन से जिले में? जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान में मथेरन कला का प्रधान केंद्र है, ठीक है, कौन सा जिला माना गया है मथेरन कला का जो प्रधान केंद्र है? आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, बीकानेर जिला। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा जो है उद्यान है पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान जो फेमस है? आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, केवलादेव अभयारण्य। अगर आपको पूरा राजस्थान जीके कवर करना है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस अभयारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? काले हिरण है कहाँ पे, कौन से अभयारण्य में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी इसका सही है, ताल छापर अभयारण्य में काले हिरण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। प्राचीन में वन्य जीवों के शरण स्थली को कहा जाता है? प्राचीन में जो वन्य जीवों के जो शरण करते थे उनका जो स्थल है उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने, उनको कहा जाता था ओरड, ठीक है, ओरड, ये गांव के बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जवाहर सागर अभयारण्य में किस जीव की संख्या बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया गया है? ठीक है, जो जवाहर सागर अभयारण्य है उसमें जीवों की जो संख्या बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि किस चीज़ पे अभी ध्यान दिया जा रहा है? तो घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए, कौन से जीवों की संख्या, यानी घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी खास ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो जो राजस्थान का कौन सा शहर है कोठारी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, भीलवाड़ा जिला, ठीक है, भीलवाड़ा जिला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। झालावाड़ व गागरौन किस नदी के किनारे बसे हुए? झालावाड़ और गागरौन है जो कि कौन सी नदी के किनारे बसे हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन सी इसका सही है, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध के जो किनारे पे झालावाड़ भी बसा हुआ है, गागरौन भी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बेणेश्वर व गलियाकोट किस नदी के किनारे पे? ठीक है, नदियों से जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की आपको तैयारी करें तो आज का वीडियो आपको जो है खास रहने वाला है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना, दोबारा देख लेना। तो ऑप्शन सी इसका सही है, माही नदी के किनारे बेणेश्वर और गलियाकोट जो कि दोनों किनारे पे बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अजमेर के नागपाड़ से जो है नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? नागपाड़ी है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती, लूनी, माही या काली सिंध, आंसर दीजिए आप लोग। तो अजमेर से जो है लूनी नदी निकलती है, ठीक है, उनकी जो नागपाड़ी है उससे लूनी नदी का जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन आपके सामने, जो बेड्स है वो नदी यहाँ से निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। नीमच से मध्य प्रदेश के धार जिले में कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आंसर दीजिए आप लोग। खमनौर की पहाड़ी, काफ़ी फेमस है ये पहाड़ी, इस पर कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो खमनौर की पहाड़ी से जो राजस्थान की बनास नदी यहीं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आंसर दीजिए आप लोग कमेंट करके।
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बाण गंगा है जो कि बेराट की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी? तो ऑप्शन बी इसका सही है, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? सागर का कौन सा भाग है जो कि राजस्थान के निकट है? ये स्टार लगा लेना, कई बार पूछा गया है। तो जो कच्छ की खाड़ी है वो जो है राजस्थान के सबसे निकट है, कच्छ की खाड़ी। हम लोग वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आपको आंसर देना है, और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर भी चुने जा सकते हैं। तो राजस्थान का कौन सा अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा अभयारण्य है जो कि क्षेत्रफल के मामले में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि 30 में जो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी से कमेंट करना, इससे क्या होगी आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके के जितने आज तक पेपर हुए हैं ना, जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सबसे पहले लेके आऊँगा, सारे वीडियो लेके आऊँगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। और राजस्थान जीके के आने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी लेके आऊँगा, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक करना और दोस्तों